नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। बताओ, कहते हैं डंका बज रहा है, ऐसा डंका बजने का क्या फायदा कि अमेरिका में बैठा ट्विटर हमारे देश के उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक छीन ले रहा है। ऐसा डंका बजने से अच्छा था कि डंका ना ही बजता, या फिर डंका केवल अकेले उन्हीं के नाम का बजा और देश के उपराष्ट्रपति बेचारे डंका विहीन रह गए। बताइए, जब देश का डंका बज रहा है तब ट्विटर जैसी सोशल साइट की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि देश के उपराष्ट्रपति को अनवेरिफाइड कर दे, उनका ब्लू टिक छीन ले। भारत में कुछ अर्जित करना सम्मान का विषय है और कुछ बिना बताए छीन लिया जाना अपमान की श्रेणी में रखा जाता है, फिर चाहे वो पद हो या ब्लू टिक। देश के उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक छीना जाना डंका काल में देश का अपमान है। काफी गदर के बाद उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक वापस दे दिया गया है। कहानी उपराष्ट्रपति पर खत्म नहीं होती है। उपराष्ट्रपति ब्लू टिक चीरहरण तो बीजेपी पचा ले गई, लेकिन उसके बाद ट्विटर ने उससे बड़ा कांड कर दिया। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का ब्लू टिक छीन लिया। पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार के नाक के नीचे भरे दोपहरी दिन दहाड़े ट्विटर ने आरएसएस के सम्मान पर हाथ डाल दिया। ये शर्म की बात है कि मोहन भागवत की सरकार होते हुए भी बीजेपी की सरकार होते हुए भी आदरणीय मोहन भागवत जी का नीला निशान छीन लिया गया। इतना ही नहीं, मोहन भागवत समेत तीन और आरएसएस वालों का ब्लू टिक छीन लिया। ये सब तब है जब डंका बज रहा है। डंका ना बज रहा होता तो देश बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन बजते डंके के बीच ट्विटर ने साइलेंटली बड़ी बेइज्जती कर दी है। बताइए, ट्विटर ने उपराष्ट्रपति और आरएसएस के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक इसलिए छीन लिया कि वो ट्विटर पर कुछ बोलते ही नहीं है, लिखते पढ़ते ही नहीं है। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का अकाउंट इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो ज्यादा बोल दिए थे। दोस्तों, भारत में बीजेपी सरकार के रहते बीजेपी के प्रिय लोगों के ही ब्लू टिक ट्विटर ने क्यों छीन लिए, इस बात पर बात करूंगी। लेकिन नाइजीरिया में ट्विटर ने उनके राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी का अकाउंट बंद किया तो नाइजीरिया ने ट्विटर को अपने देश में बंद कर दिया। बुहारी ने करीब 50 साल पहले 30 महीने तक चली सिविल वॉर में हुई हिंसा का जिक्र किया था, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा था कि आज जो भी लोग गलत बर्ताव कर रहे हैं वो नाइजीरिया गृह युद्ध के बारे में नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि तब कितनी जाने गई थी और कितना नुकसान हुआ था। हम 30 महीने तक मैदान में रहे थे और इस बार भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ट्विटर ने इस ट्वीट को हटा दिया था। ट्विटर का कहना था कि ये हमारे नियमों के खिलाफ है। फिर नाइजीरिया ने अपने देश में ट्विटर को बंद कर दिया। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक 2 घंटे में वापस आ गया, लेकिन मोहन भागवत के ब्लू टिक के लिए सरकार अभी भी संघर्ष कर रही है। इतना संघर्ष अगर कोरोना से लड़ने के लिए किया गया होता तो भारत में लाखों लोगों की जिंदगियों पर ग्रीन टिक होता। भारत की सरकार और ट्विटर के बीच साइलेंट जंग चल रही है। भारत की सरकार कहती है कि ट्विटर हमारी माने, ट्विटर कहता है कि हम अपने नियम मानते हैं, कोई हमें ज्ञान ना दे। लेकिन फिर भी ट्विटर ने ऊपरी तौर पर कह दिया है कि हम भारत सरकार की मानेंगे। भारत में ट्विटर को सबक सिखाने के लिए कू ऐप लॉन्च किया गया। भारत सरकार के सभी मंत्रियों ने कू ऐप पर अपना अकाउंट तक बना लिया, लेकिन ट्विटर पर इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सरकार कहती है कि ट्विटर अपना अधिकारी नियुक्त करे, अधिकारी सरकार की बात सुने, उसका मोबाइल नंबर हो, उसका भारत में दफ्तर हो, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया है। इसीलिए तीसरी वार्निंग आज जारी कर दी गई है। ट्विटर का कहना है कि हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति का अकाउंट जुलाई 2020 से इनएक्टिव था, इस वजह से कंपनी की नई वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत खुद ब खुद उनका ब्लू टिक हट गया। लेकिन 2 हफ्ते पहले ही गाइडलाइन जारी की गई है, इसके तहत अकाउंट कम से कम 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए। समझे आप, मामला गाइडलाइन का है। ट्विटर कहता है कि सब हमारी गाइडलाइन पर चलेंगे। हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि ट्विटर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान सरकार की गाइडलाइन पर चलेगा। इनको इनकी गाइडलाइन पसंद नहीं है, उनको इनकी गाइडलाइन पसंद नहीं है। ये गाइडलाइन वाला वीडियो मैंने पहले बनाया था, उसका लिंक ऊपर दिया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं कि कैसे ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को संदेहास्पद ट्वीट माना था और कंटेंट हटा दिया था, कैसे ट्विटर के दफ्तरों पर छापे पड़े थे। देखिए, मेरा सिर्फ साफ बिल्कुल ये कहना है कि बीजेपी सरकार और ट्विटर आपस में चाहे जितना लड़े, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे वतन की बदनामी और नाम केवल बीजेपी पार्टी की सरकार पर नहीं टिका होना चाहिए। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।